बोल रहा हूँ सऊदी अरब रियाद से। हाँ। जैसे कि आपके प्रोग्राम देखा है महेश भट्ट जी, ये तो वास्तव में एक देश का एक गद्दार जो कह सकते हैं कि एक तरह का गद्दार है, क्योंकि हम लोग आने वाले दुश्मन से तो निपट सकते हैं, लेकिन जो अपने देश में ये गद्दार उनके लोग उससे कैसे निपटा जाए। ये लोग बातों से नहीं मानने वाले, क्योंकि ये दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस किस्म का शख्स है जो अपनी लड़की से संबंध बनाने की बात करता है। कहिएगा इस जैसे शख्स को अपने देश में रख करके क्या क्या मैसेज जाएगा हमारे पब्लिक को, जो जरा दुष्ट धन्यवाद तो है देश के गद्दार कह रहे हमारे कॉलर। और क्या आप किसके बात से सहमत है, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सूरज जी, बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, इन महेश भट्ट जैसे गद्दारों को जूते मारकर बाहर निकाल देना चाहिए हिंदुस्तान से। इन लोगों की हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है सूरज जी। बिल्कुल, महेश भट्ट और गुरुद्दीन अवैसी जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान को खराब कर रहे, हिंदुस्तान की संस्कृति को खराब कर रहे। ये लोग हिंदुस्तान की संस्कृति के नाम पर दबता है, इनको पाकिस्तान से प्यार, इनको पाकिस्तान भेज दो। बिल्कुल, धन्यवाद। फेसबुक पर पूजा सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 करोड़ के दर्शकों के लिए वहां पर अपने फिल्में चलने के लिए और वहां के थिएटर पर अपने फिल्में लगी रहने के लिए ये पाकिस्तान के सामने भारत माता का सर झुका रहे हैं, इनके ही सर को कलाम करना चाहिए, ये भी मांग हो रही है। इस देश से निकालने की मांग हो रही है। इनको देश का गद्दार कहा जा रहा है, ये देश के दुश्मनों का दोस्त है। आप क्या कहेंगे? स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पहले भी महेश भट्ट के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते रहे हैं, ये मुस्लिम सभाओं में भी जातिवाद फैलाते रहे हैं, ये आदि बातें करते रहे हैं, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। जातिवाद फैलाने में और भेद करने में इन्होंने जो कुछ कारनामे किए उसके वीडियो भी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, और सुदर्शन पर लगातार अगले कुछ दिनों तक हम महेश भट्ट को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो इस देश की माफी ना मांग ले। माफी के लायक भी इसका ये गुनाह नहीं है, इसके तो सजा ही मिलनी चाहिए। ये ओएसीबी से भी बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सजा इनको मिलेगी। इसके लिए इस देश के लोगों को आवाज उठाना होगा, बिंदास से आवाज उठाए, और इस आवाज में आपकी आवाज की जरूरत है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ देहरादून से, कुंदन सिंह। हाँ सर, ऐसे महेश भट्ट के गंजे आदमी को देहरादून से या क्या, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये इसकी फिल्म के अंदर में कोई भी बंदे को फिल्म देखने का कोई वो नहीं होना चाहिए, दिल में खून गर्म होना चाहिए, इसकी फिल्म को एकदम इसके पोस्टर को एकदम फाड़ देना चाहिए। ऐसे गंजे आदमी जो अपनी बेटी से ब्लड कार कर सकता है, वो देश के साथ क्या गद्दारी करेगा। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं दूसरा वीडियो जिसमें ये पाकिस्तान के साथ अपने प्रेम का कैसा इजहार करा है, देखिए। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में आने का। भाई साहब, जैसे मैंने अपनी ओपनिंग में कहा कि आपके बारे में कहा जाता है साल में बेशक मौसम 4 दफा बदले, लेकिन आपका बदलाव नहीं आता रवैये में पाकिस्तान के हवाले से, कैसे मेंटेन करते हैं आप? इतना प्रेशर होता है, हाउ डू यू सस्टेन? मोहब्बत करता हूं मैं आप लोगों से, और जब आप दिल आईना होता है जो मैं महसूस करता हूं आपको तक पहुंच जाता है। ये पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत करता है इसलिए एंकर पूछ रही है कि आपके देशभक्तों का आपके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको आप कैसे डील करते हैं। ये बोलता है कि मोहब्बत करता है तो आपके लिए पागल हूं, इसलिए इस प्रेशर को झेल लेता हूं। ये मोहब्बत इस देश के सीमा पर खड़े सैनिक से नहीं करता है, ये मोहब्बत सीआरपीएफ के जवान जो देश के लिए लड़ते हैं उनके साथ नहीं करता है, ये मोहब्बत उनसे नहीं करता है जो नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ते हैं, ये मोहब्बत उनसे नहीं करता है जो मुंबई में आतंकवादियों को मारते मारते अपने प्राण न्योछावर कर गए उस संदीप उन्नीकृष्णन से नहीं करता है, ये मोहब्बत इस देश के ऊपर मोहब्बत करने वाले से नहीं करता है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, इस देश के दुश्मन राष्ट्र से मोहब्बत करता है, और इस भारत पर मोहब्बत करने वालों को ये 2 करोड़ का देशभक्त कहता है। अगले कॉलर। हां जी सर, बोलिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर मैं मनोज बोल रहा हूँ हरियाणा से। हाँ, क्या कहेंगे?
सर मैं ये चाहता हूँ आपके जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सर के बदले सर चाहिए, पाकिस्तान को हमें घर से मिटा देना चाहिए, उनको सबक सिखा देना चाहिए कि हमारे भाई शहीद हो रहे हैं और हमारी सरकार चुप बैठी है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? सर के बदले हमें सर चाहिए, आज तक हमारे भाई का सर नहीं मिला है, ऐसा क्यों सर, क्यों हो रहा है ये? सरकार ये कुछ कर ही नहीं रही सर, हमें सर के बदले हमें सर चाहिए, बस हमारा कहने का मतलब ये है सर बस। लेकिन आपकी मांग को तो महेश भट्ट सरफिरों की मांग कह रहा है, इसको गद्दार है, इसको ये गद्दार है सर, ये इंसान नहीं है, ये ऐसे बकवास कर रहा है, इसको ये भी गद्दार करार दे दिया जाए सर इसको भी, हमें बस हमारे भाई शहीद हो रहे हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? धन्यवाद। या उषा कह रही है, वॉशिंगटन से पोस्ट कर रही है कि सर के बदले सर लाने की बात तो शूरवीर करते हैं, ये तो बुजदिल है, ये बात क्या जाने जो औरतों के कपड़े उतार के पैसे कमाता है। फेसबुक पर महिलाओं की कई बड़ी पोस्ट आनी शुरू हो गई है। महेश भट्ट को औरतों का पर्दे पर का दलाल कहा जा रहा है और औरतों के पर्दे इस देश के युवा लड़कियों को हीरोइन बनाकर उनको देश के सामने परोसकर उसके द्वारा बॉक्स ऑफिस से पैसे का कलेक्शन करने वाले गद्दार और दलाल कहा। ये कई ऐसी पोस्ट आई है जो टीवी चैनल पर बोलने के लिए शायद सही नहीं हो सकती, लेकिन इस देश के देशभक्तों को जो दूसरे देश के टीवी चैनल पर जाके अगर दो कौड़ी का कहता है, सरफिरा कहता है, पागलपन कहता है, तो उसके खिलाफ इन शब्दों को हमको टीवी चैनल पर बोलना होगा। इसके लिए हम किसी भी समस्या को फेस करने के लिए तैयार है। हमारे साथ स्काइप पर कई कॉलर जुड़े हैं, चलते हैं। नमस्कार, नमस्कार। क्या कहेंगे? कोयंबटूर से बोल रहा हूँ, वेंकटाचार्य। हाँ, ये मुझे लग रहा है महेश भट्ट आपकी सईद का भाई लग रहा है मेरे को, इनको तो इस्लामाबाद जाके छोड़ो, नहीं तो अफगानिस्तान में छोड़ो, हाँ इनको पिक्चर बनाओ, लात मार के जाए आएंगे वापस हिंदुस्तान। इसी नालायक को बॉम्बे में कैसे रह रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इस नालायक को उठा के अफगानिस्तान भेज दो, इराक में भेज दो, पटक दो साले को, कर्म हो रहा है इनको, इराक भेज दो, इस आराम खोल को पाकिस्तान भेज दो, इस मुंडी काट के भेज दो। धन्यवाद। देश के लोगों में गुस्सा है। महेश भट्ट ने ऐसी बात बोली है कि एक बुजुर्ग स्काइप पर कॉल पर आकर आपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, इस देश के युवाओं का खून क्यों नहीं खोल रहा है, यह बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ ही हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है, बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, भारत के देशभक्ति को दो कौड़ी का कहने वाले महेश भट्ट का क्या किया जाए, क्या इसके पाकिस्तान के संबंधों की जांच नहीं होनी चाहिए, जो इस देश के शूर जवानों का सर काट कर लेके गए पाकिस्तानी, उन पाकिस्तानियों का सर काट कर वापस मांगने वाले देशभक्तों को ये पागल कहता है, कबीलाई मानसिकता का कहता है, खुद तो भी कबीला तो क्या, जब आदमी कपड़े नहीं पहनता था उस जमाने के फिल्में बनाता है, और इस देश के शूर योद्धाओं को, वीरों को, वीर माताओं को, वीर पत्नियों को कबीला मानसिकता कहता है। महेश भट्ट के इस काले करतूत पर, महेश भट्ट के इस देश के खिलाफ बयान पर, महेश भट्ट के पाकिस्तान की इस प्रेम पर आपको बोलना होगा। पाकिस्तान हमारे खिलाफ बोलता है, वो तो शत्रु है, दुश्मन है, वो तो बोलता है उसकी, उसको तो हम अपने तरीके से सबक सिखाएंगे, लेकिन इस देश के अंदर रहकर, इस देश का नमक खाकर, इस देश में नाम, इस देश में पैसा, इस देश में इज्जत, इस देश में सब कुछ कमाकर पाकिस्तान का अगर कोई गुणगान गाता है और हिंदुस्तान को गाली देता है तो उसका सजा होना चाहिए, उसको माफी नहीं। कॉलर के पास चलते, स्काइप पर देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। क्या कहेंगे सुरेश जी? नमस्कार जी। हाँ, मैं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ यूक्रेन से। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले जो है भारतीय लोग, उनके खिलाफ क्यों कोई केस, मानहानि का केस या और कोई केस नहीं कर सकता? यदि यही लोग अभी ये भारत के लोग में ही यदि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ और या तो दूसरे धर्म के खिलाफ या किसी दूसरे देश के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके खिलाफ अभी भारत की अन्य कई राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और धर्म निरपेक्ष के नाम से खड़ी हो जाती है, और भारत के अंदर ही खिलाफ बोलने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल, धन्यवाद।
यूक्रेन में बैठकर भारत के देश प्रेमी क्या कह रहे हैं, तो इस देश के युवा, इस देश के देश प्रेमी कहां है, क्यों चुप है, अपनी बात को रखिए, महेश भट्ट को सबक सिखाइए, उस तक आवाज पहुंचाइए कि ये देश क्या कह रहा है। फेसबुक पर कई प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, कई सोशल नेटवर्किंग साइट पर महेश भट्ट के इस काले करतूत का विरोध हो रहा है। सुदर्शन के सारे टेलीफोन लाइन व्यस्त है, स्काइप पर भी एक साथ कई कॉलर है, हम टेलीफोन पर कुछ कॉलर से आपकी बात कराते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? भैया दीपक सहगल बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ सर, महेश भट्ट ने जो स्टेटमेंट दी है वो निहायत ही घटिया है, और महेश भट्ट, हेलो, बोलते रहिए आप। महेश भट्ट भारत से प्रेम नहीं करते हैं, महेश भट्ट पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, और इनका कंपैरिजन मैं करूंगा बापू आसाराम से, ये दोनों ही औरत की इज्जत नहीं करना जानते हैं। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप मुझे लगता है कि कुछ लोग बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से कुछ नामों को किसी के साथ भी जोड़ देते हैं। हम आसाराम बापू के से कई बयानों से सहमत नहीं है, लेकिन देशद्रोह के खिलाफ अगर ये बोल रहा है तो इसके साथ आसाराम बापू का नाम जोड़ना आसाराम बापू पे अन्याय होगा, हम ऐसा अन्याय नहीं करने देंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। अच्छा हेलो, हेलो, मैं बोल रहा हूँ जी जम्मू से। हाँ, ये जो महेश भट्ट बोल रहे हैं, ये ऐसे आदमी को इसका मुंह काला करके इसको गद्दे पे बैठा के पूरे भारत में घुमाना चाहिए। और जो आरएसएस जो है बोल दिया मैं देशभक्त हूँ, और ये राज ठाकरे जो बोलता है शिवसेना, उनके राजधानी में होते हुए ऐसी बातें करते क्या उनको शर्म नहीं आती? धन्यवाद। शिवसेना के लिए खुला चैलेंज है कि शिवसेना मुंबई में इतनी पावरफुल है, महेश भट्ट जैसा गद्दार आदमी मुंबई में बैठकर अगर इस तरीके से देश के खिलाफ बोलता है, उसका वीडियो लेकर सुदर्शन टीवी चैनल कार्यक्रम करता है, तो वहां के राष्ट्रवादी संगठनों ने इसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ लंदन से। हाँ। और मैंने विकिपीडिया पे इनके बारे में कुछ डिटेल चेक की। हाँ। तो पता चला कि ये खुद मुस्लिम है और इनका असली नाम है अफजल खान, और ये खुद इस्लाम धर्म के लोगों को जिहाद के लिए, वो भी भारत के खिलाफ जिहाद के लिए भड़काते हैं, और ये खुद लोगों को बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो और तुम लोग लड़ो और इनको हिंदुओं को मार के भगाओ। मैंने इनका वीडियो देखा है कि किस तरीके से मतलब जिहाद के लिए भड़का रहे हैं और किस तरह धार्मिक प्रवृत्तियां लोगों को ओवैसी की तरह गंदे विचार प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने। धन्यवाद, आपने जो कहा इस बात की जरूर हम तफ्तीश करेंगे और उसके बाद इस विषय को सामने लेकर आएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सुरेश जी। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। हम नेपाल से बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं विजय भान बोल रहा हूँ, ये कहेंगे महेश भट्ट ऐसा क्यों बोलता है? आप क्या सोचते हैं क्यों बोलता है? हम ये विजय भान बोल रहा हूँ, बोलते रहिए आप। धन्यवाद। नेपाल से कॉलर अपनी बात को रख रहे थे, मैं कॉलर को कहूंगा कि अपनी खुद के ही कॉल को इसी कार्यक्रम में तुरंत लाइव देखने के चक्कर में आप डिले हो जाते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात 11 बजे, सवेरे 9 बजे और दोपहर को 3 बजे पुनः होता है। इसको आप YouTube पर भी, sudarshantv.com साइट पर भी देख सकते हैं, और हमारे facebook.com/sudarshannews पर भी देख सकते हैं। इसलिए आप अपना कॉल तुरंत सेकंडों में सुनने के मोह में अपनी बात को गलत तरीके से मत रखिए। टेलीफोन कॉल पर चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, क्या कहेंगे? सवाई माधोपुर से दिलीप सिंह बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि व्यक्ति के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये देशद्रोही है, जांच का तो सवाल पूरा हो चुका है, आपकी बातों से ये तय है कि ये बिल्कुल देशद्रोही व्यक्ति है। जिस देश में रह रहा है, जिस देश का बेटा है, उस देश के प्रति जहर है, हमारे सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसको बिगाड़ रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, और ये देशद्रोही व्यक्ति है, दुष्चरित्र है, इस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगना चाहिए और इसकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इसकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए। देश से बाहर निकालेंगे तो पाकिस्तान इसको वैसे भी आश्रय देने वाला है, ये तो शायद सेकंड होम से भी ज्यादा करीबी मानता है पाकिस्तान को, और अपनी जगह वहां पर ज्यादा सुरक्षित मानता है, इसलिए जिस देश ने इतना सब कुछ उसको दिया उसके खिलाफ गद्दारी करता है।
अगले कॉलर।